मैं फोन भी चलाऊंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। ना रटने की कोई टेंशन है, ना है याद करने का डर, अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडियो मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल, मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा। मैं फोन भी चलाऊंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है सक्सेसफुल बन जाऊंगी। मैं फोन भी चलाऊंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। ना रटने की कोई टेंशन है, ना है याद करने का डर, अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडियो मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल, मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास की कोई टेंशन है, ना है याद करने का डर, अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडियो मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल, मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा। मैं फोन भी चलाऊंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। मैं फोन भी चलाऊंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। ना रटने की कोई टेंशन है, ना है याद करने का डर, अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडियो मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल, मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा, एडियो मंत्रा। मैं फोन भी चला रटने की कोई टेंशन है, ना है याद करने का डर, अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये एडियो मंत्रा का असर। अब मैथ्स हो या कोई न्यूमेरिकल, मैं झट से सॉल्व कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है एडियो मंत्रा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी। एडियो मंत्रा, तो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट एडू मंत्रा 11th 12th साइंस में। और भैया आपका एकदम फेवरेट जो सीरीज चल रहा है कमाल करते हो पांडे जी वाला, वही लेके आए हैं आपके पास, है ना। तो आज जो है वो सेट्स का आगे का करेंगे, दोपहर में तो थोड़ा ग्लिचेस हो गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सेट्स का आगे का करना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना लोगों को बता दो, शेयर कर दो, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग इज केयरिंग, तो ज़रूर ज़रूर शेयर कर दो। ओके सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब पहले हम डिस्कस कर लें कि अभी तक हमने किया क्या, इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या हो गया वो देख लें। चलिए तो हमारे पास जो दिख रहा है यहाँ पे वो हमने क्या क्या कर लिया वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट इक्वल सेट सिंगलटन सेट इक्विवेलेंट सबसेट प्रॉपर सुपर पावर सेट देन यूनिवर्सल सेट तक अभी तक हमने कर लिया है। जितना भी हमने अभी तक कोर्स किया इसमें तीन सेशंस में ये सब कर लिए हैं। अब चौथा जो सेशन है उसमें बाकी का ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट करेंगे, और ये सेशन के बाद में जो है ना मतलब प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। ओके सो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, करना इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं। अब ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट ये आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इन द टुडे सेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरलैपिंग सेट्स। अब मैं ओवरलैपिंग सेट्स बोलूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं। ओके सो एग्जाम्पल के साथ मैं बोलूं, सो ए में कैसा है, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 अगर मैंने लिख दिया, और बी हमारा सेट है जिसमें 8, 10, 12, 16 है, ऐसे लिख दिया मैंने। ऐसे दो सेट्स हैं, ये दो सेट्स में इसमें देखो एटलीस्ट ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब क्या होते हैं, ऐसे दो सेट्स जिसमें एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट हो। सो यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है देखो जरा ध्यान से, यहां पे 6, 8 और 10, यहां पे 8 और 10। सो एटलीस्ट दो कॉमन एलिमेंट्स हैं, बराबर है। सो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं यहां पे, एक भी रहता ना तो काम हो जाता, तो उसको ओवरलैपिंग सेट्स जरूर बोलते हैं। So, यहां पे ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ दे कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन होता तो क्या होता, ओवरलैपिंग सेट। अब ये ओवरलैपिंग सेट हो गया आ गया ना, तो इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें होंगी इसमें जो हमको देखनी है। लेट अस स्टार्ट। उसके पहले कुछ देखना है हमको, वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम के बारे में बता दूं, कोई भी सेट है हमारे पास, अगर मैंने सेट लिख दिया ए इज अ सेट, यहां पे मैं लिख देता हूं ए इज अवर सेट, ए अगर मैं बोलू कि पी क्यू एंड आर, बराबर है। तो इसको ये सेट ए को अगर मैं डायग्रामेटिकली बना दूं इसको, सो इसको बोलेंगे वेन डायग्राम। मतलब कोई भी सर्कल में बनाओ या रेक्टेंगल में बनाओ या ट्रायंगल में बना दो, कैसे भी डायग्राम में इसमें लिख दोगे, दिस इज पी, पॉइंट से डिनोट करेंगे पी एलिमेंट, देन क्यू, देन आर, एंड दिस इज सेट इज व्हाट, सेट ए। सो सेट ए में पी क्यू आर है, सो डायग्रामेटिकली ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस फॉर्म इज नोन एज व्हाट, वेन डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेन डायग्राम। So Venn diagram is represented of a relationship between the sets. इसको Venn diagram पढ़ना इसलिए जरूरी है ना कि उसमें जो relationship हम लोग पढ़ेंगे उससे easy हो जाए, और कुछ नहीं है, तो ध्यान में रखना है बात। अब देखो देखो जरा, so यहां पे मैं बोलू this is our set A, A का लिख देता हूं A, and this is universal set। ये क्या है, universal set, उसमें A आया हुआ है, तो ये बताया है ए में क्या है, ए में देखो 2, 4, 6, 8 and 10, और यूनिवर्सल सेट क्या है, दिस इज एक्चुअली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, बराबर है। सो इसको डायग्रामेटिकली बना दिया है ना, ये इसके अंदर होगा बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज बाप ऑफ ऑल द सेट, तो बाकी सब तो बच्चा लोग अंदर रहेगा ना, सो वही है देखो। So, इसको क्या किया इन्होंने, डायग्रामेटिकली बना दिया। सो दिस इज वेन डायग्राम। ओके अब इसके बारे में सीखेंगे कहां कहां यूज करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो ऑपरेशन, उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सो ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज सेट्स आर ओवरलैपिंग है, इसलिए हमको ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग कैसे कैसे ओवरलैपिंग सेट क्या क्या करते हैं, क्या कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। सो देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर मैं बोलूं हमारे पास एक सेट है ए, ए में मैं बोलूं कि ऐसे बोल दिया कि पी क्यू आर 1, 2, 3, 4 है, और बी एक सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6 है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, इट मींस 1
2, 3, 4, 5 and 6. This contain all the elements of A, all the elements of B. अब इसको मैं डायग्रामेटिकली अगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, देखो जरा फिर से, देखो जरा फिर से, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ए में क्या है? देखो कॉमन जो है, कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है? देखो देखो कॉमन, देखो यहां पे कॉमन इज 3 and 4, बराबर है? तो वो कॉमन रीजन में, दिस इज 3 and 4, बराबर है? तभी तो वो भाई क्या है, ओवरलैपिंग सेट है, और ओवरलैपिंग सेट की वजह से ही हमको यूनियन पढ़ना पड़ रहा है. तो दिस इज 3, 4, दिस इज 1 and 2, दिस इज सेट ए, एंड सेट बी में क्या आएगा? 3, 4, 5 and 6. समझ में आ गया होगा. अब ये जैसे हमने यूनियन पढ़ा ना, वैसे इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया? अगर मैं लिखूं कि ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? 3, 4. सो 3, 4 इज अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो दिस इज कॉमन एलिमेंट. सो ये टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनियन. से दिस टोटल इज व्हाट? ए यूनियन बी मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 3, 4. और मुझे लगता है वेन डायग्राम से एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है. वेरी वेरी इजी थियरी सर, वेरी वेरी इजी. ऑब्वियसली अगर हमको एक एक, एक बात समझ में आ जाए ना तो बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों. चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं. ओहो हो सर, यू आर बेस्ट. थैंक यू गाइस, थैंक यू. खाली आप लोग वो जो सब्सक्राइबर वाला बटन है ना वो दबाते रहो. जो नए आ रहे हो सब्सक्राइबर वाला बटन दबा के ही जाना. और आज का सेशन के बाद, आज का सेशन में अभी समथिंग 69 है, 70 कर देना यार, 70 हो जाए. सब लोग फटाफट अपने अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी जाके वो बोलो कि भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राजू सर एकदम इंटरेस्टिंगली पढ़ा रहे हैं हमें, है ना, तो वो जरूर कर देना. चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. और बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको, डोंट वरी. इसमें बहुत सारा अभी मैं, इसलिए मैंने ये साल जो है ना, आप मानोगे नहीं मानोगे, बट ये साल मैंने, हम लोग ने वो जो ऑफलाइन टीचिंग था उसमें किसी को भी एडमिशन नहीं दिया. बिकॉज मैंने सोचा कि भाई ये साल ऐसा है ना पैंडेमिक्स वाला, वो जितना हो सके इस पे फ्री कंटेंट डालेंगे ना, बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिलने वाला है मुझे. तो ये जरूर मेरे को करना था एक काम. ओके तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो यूनियन ऑफ टू सेट्स जैसे कि बताया, तो मैं ये देख रहा हूँ वही है यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो हमने किया है. ओके देख लो जरा, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स. कलर पूरा फुल किया है इसमें, कलर खाली बीच वाले को किया है. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं. और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द यूनियन. फिर ध्यान में देखना, ध्यान से देखना, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, एक ही बात है. अगर ए मैं लिख दूं, ए इज 1, 2, 3 and 4. अगर बी लिख दूं, बी इज 3, 4, 5, 6. सो ए यूनियन बी लिखूं तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर B यूनियन A भी लिखूं तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं. सो A यूनियन B बोलो या B यूनियन A बोलो, दैट इज वन एंड सेम. सो इट इज कम्यूटेटिव. ये कम्यूटेटिव है. यस है, यस दिस इज इंटरेस्टिंग. यस भैया बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये. ओके ओके एक मिनट गाइस, थोड़ा हिल गया. ठीक है ओके चलो सर, डेट लॉन्च ऑफ विजन बैच वो संजीव सर आपको बता देंगे. आई एम हियर टू टीच यू. ओके और बाकी जो भी ऐसे लेके आएंगे वो संजीव सर बताएंगे भी तुमको. ओके चलो चलो ठीक है, आगे देखते हैं. अब मैं ए यूनियन बी लेके फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालू. देखो अगर सी मैं लिख देता इसमें, सी देखो जरा, सी इज 6 and 7 लिख देता हूं. चलो सो ए यूनियन बी निकाला, उसके बाद में ए एंड बी द होल यूनियन सी भी निकाल लू तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड 7 and 7, बराबर है. अब अगर मैंने ऐसे निकाला होता पहले,
ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले अगर बी यूनियन सी निकाल दू, बी यूनियन सी, तो क्या क्या आएगा, 3, 4, 5, 6 and 7। इसका यूनियन ए के साथ में निकालू तो क्या आएगा वापस से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, सेम आने वाला है, मतलब ये एसोसिएटिव भी है। ओके एंड हमेशा ध्यान में रखो, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बताता हूं मैं तुमको। सो ए यूनियन फाइव सेट, फाइव सेट इज सबसेट ऑफ ए, फाइव सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो ए यूनियन फाइव सेट इज ऑलवेज ए, ध्यान में रखना। देखो ये ए है, ए ये ए है, फाइव सेट इज एम्प्टी सेट, देखो जरा फाइव सेट मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट। सो इसका यूनियन फाइव के साथ किया, ए यूनियन फाइव, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस मींस 1, 2, 3 and 4 इटसेल्फ ना, सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट ए, सो मतलब क्या है कि दिस इज ए यूनियन फाइव इज फाइव सेट, सॉरी ए यूनियन फाइव इज ए सेट, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइव इज आइडेंटिटी, ये ओके फाइव इज एन आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑफ दिस सेट, ध्यान में रखना फाइव सेट इज आइडेंटिटी ऑफ द सेट। अब ए यूनियन ए, अगर मैं ए यूनियन ए भी निकालू, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए, इट मींस व्हाट, 1, 2, 3, 4 सेम आएगा ना, मींस दिस इज आइडम्पोटेंट लॉ, सो ये क्या है आइडम्पोटेंट लॉ, तो ये भी ध्यान में रखने का, ए यूनियन ए इज ए। वैसे ही यूनिवर्सल सेट यूनियन विथ ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन विथ ए, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए आता है, सो यूनिवर्सल सेट दिस इज ए, तो टोटल क्या होगा उसका, यूनिवर्सल सेट होगा, सो ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट, ध्यान में रखिएगा, दिस लॉ इज लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके बस इतना सब ये प्रॉपर्टीज थी, ये सब ध्यान में रखिएगा, एक 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 चीज बताते रहूंगा। वैसे ही सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन भी है, तो जैसे हमने उसको किया वैसे ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से और एक बार हम लोग को समझ में आएगा। सर एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे भैया, जितने बार हो सके, क्या प्रॉब्लम है। ओके बेटा ये फाइव है, दिस इज नॉट फाइव, इट्स फाइव सेट, सो डिफरेंस है, उच्चारण में भी डिफरेंस है, उसके स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, तो ध्यान में रखना। ए इंटरसेक्शन बी, द होल इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम ही आने वाला है। ओके ये सब भी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन फाइव इज ऑलवेज फाइव, ए रहने वाला है इसके अंदर कहीं तो भी फाइव सेट रहने वाला है, बराबर है ना। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, फाइव होगा ना, तो फाइव। ये देखो यूनियन यूनिवर्सल सेट, अब दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज ए, तो दोनों के कॉमन क्या है, ए है, तो इट इज इक्वल्स टू ए। अब ए इंटरसेक्शन ए विल बी ए, तो ये भी ध्यान में रखना है, सब आइडम्पोटेंट लो। एंड वैसे ही दिस वन, ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखिएगा, ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी द होल यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो ये बहुत जगह यूज होने वाला प्रॉपर्टी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, तो ये अच्छे से ध्यान में रखो। चलो जहां जहां आएगा बताऊंगा, कोई मैंने खाली एक बता दिया कि इतना ये सब प्रॉपर्टीज है सिंपल। ओके अब एक टाइप ऑफ सेट है, कुछ अलग है इसमें, तो देखिएगा ये डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, कि जब भी तुम्हारे पास एक सेट है ए, ए में अगर 3, 2 और 4 है, बी अगर एक सेट है जिसमें 5 and 6 है, सो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं, मींस दिस इज गोइंग टू बी फाइव सेट, इफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट इज फाइव सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज फाइव सेट, देन द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, बराबर है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा दो सेट में, तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये बात। अब डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो कलर करके मैंने बता ही दिया, बट एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि दिस इज ए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा मैंने, एंड अगेन एक सेट है बी 4, 5, 6, 7, ओके
अगर मैं बोलूं a माइनस बी, इसका मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b. सो कौन सा एलिमेंट a में प्रेजेंट है बट b में नहीं है? ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3 बराबर है, जो b में नहीं है, 4, 5 b में है. सो ऐसे एलिमेंट्स a के जो b में नहीं है, सो दिस विल बी 1, 2 एंड 3. वैसे ही अगर मैं b माइनस a बोलूं, सो b माइनस a में क्या आएगा? ऐसे एलिमेंट b के जो a में नहीं है. कौन से ऐसे एलिमेंट है जो b के a में नहीं है? 4 एंड 5 तो है, तो कौन सा नहीं है? 6 एंड 7. अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने बैठू तो कैसे आएगा? देखो दोस्तों, दिस इज a, दिस इज b. सो a में क्या होगा? 1, 2. अब देखो 4, 5 कॉमन, तो यहां से 4 एंड दिस इज 5. सो दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. अब मुझे a माइनस b देखना है, तो a माइनस b विल बी दिस पार्ट विल बी a माइनस b, बराबर ना? ये पार्ट जो रहेगा तुम्हारा क्या होगा? a माइनस b. और ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा? b माइनस a. दिस पार्ट इज b माइनस a, दिस पार्ट इज a माइनस b. एंड दिस पार्ट इज इंटरसेक्शन, दैट इज दिस a इंटरसेक्शन b. तो मुझे अगर b माइनस a अगर यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो तो कितना अच्छी बात होगी. तो यहां पे क्या मिलता है? देखो a माइनस b विल बी इक्वल्स टू होल a, a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b, बराबर है कि नहीं? ये पूरा a में से अगर मैं a इंटरसेक्शन b माइनस कर दू तो ये a माइनस b मिलेगा. सो a माइनस a a इंटरसेक्शन b. तो ऐसे भी देखोगे तो काम हो जाएगा. ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हो, यूज कर सकते हो बहुत सारे जगह. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं. वैसे b माइनस a भी देखा जाए, सो b माइनस a विल बी इक्वल्स टू b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉपर्टीज. ओके, चलो सो ये सब कैसे कैसे यूज करेंगे आपको बताते रहूंगा हर एक क्वेश्चन में, डोंट वरी. और यहां पे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग, तो एक्सरसाइज देखते हैं कैसा एक्सरसाइज है, कैसा क्या क्या है इसमें. मैं चाहता हूं कि सब लोग ओहो कोविड पॉजिटिव सिचुएशन बहुत खराब है दोस्तों, बहुत खराब है. और मैं चाहूंगा कि जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं सारे लोग देखते जाओ ये सब टाइम पे, जो यही सबसे बड़ा टाइम पास तुम्हारे लिए. जितना ज्यादा मैथ्स करोगे उतना ज्यादा दिमाग कहीं और से, मतलब कहीं और नहीं भटकेगा. मैथ्स करना है बस, मैथ्स कर करके दिमाग में सिर्फ मैथ्स भर लेना है. और जाते जाते मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, तुम लोग फटाफट शेयर करो यार, सब्सक्राइबर्स आज हो जाने चाहिए 17. अब भी जाते जाते मुझे 70 चाहिए, 70 हो जाएंगे तो बताना. ओके चलो, x इज इक्वल्स टू, x क्या है बताओ? x इज 1, 3 एंड 5 एंड y देखो, y इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3. चलो लिख दिया हमने, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना जरा. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, क्या पूछा है? यू हैव टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. ये फर्स्ट जो पेयर है उसका यूनियन निकालो, मींस x यूनियन y निकालना है. चलो बताओ, बताओ यार x यूनियन y क्या आएगा? x के भी एलिमेंट्स, y के भी टोटल एलिमेंट्स आने चाहिए. सो 1, 2, 1, 2, 3 एंड 5, बराबर है ना? ये सब में आ जाएगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, देन 1, 2, 3, 1, 2, 3. यस, टोटल एलिमेंट्स आ गए x यूनियन y में. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है. सो ये आएगा ऐसा. सो क्या दिया है? a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू a e i o u, a e i o u, बराबर है. एंड क्या दिया है? b इज इक्वल्स टू a b c. अगर मैं देखूं a यूनियन b निकालू, सो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a एंड ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन b, सो a यूनियन b विल बी इक्वल्स टू a b c. तो आएगा ही, फिर e है, i है, o है, u है. सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a एंड प्रेजेंट इन टोटल एलिमेंट्स, लिख दिया. अब थर्ड क्वेश्चन बताओ, बताओ
बताओ पहले क्या करना पड़ेगा फोर्थ थर्ड क्वेश्चन के लिए, इसमें सबको पहले किसके फॉर्म में लिखेंगे, लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे और तभी तो हम लोग कॉमन देख पाएंगे ना। चलो पहले क्वेश्चन लिखो, लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं उसको, थर्ड क्वेश्चन को, है ना। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए इज इक्वल्स टू यही है। चलो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री, एक्स इज नेचुरल नंबर, ओहो नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, बराबर है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री एंड नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री का मल्टीपल्स। सो कौन कौन से नंबर थ्री के मल्टीपल्स है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। सो भैया थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड सो ऑन। ये तो खत्म हो गए, नहीं इन्फिनिट सेट है। अब बी मैं लिखूं, बी में क्या बोला है, बी में ऐसा बोला है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। सो सिक्स से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे बेटा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। सो दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। अब अगर मैं ए यूनियन बी ढूंढने का कोशिश करूं, सो भैया वन टू थ्री तक तो आएगा सेम, फोर फाइव भी आएगा, देखो फाइव तक है, उसके आगे थ्री तो हो चुका है, सिक्स लिखेंगे, फिर नाइन लिखेंगे, फिर ट्वेल्व लिखेंगे, फिर फिफ्टीन डॉट डॉट डॉट, आगे सब मल्टीपल ऑफ थ्री। ओके सो ऐसा लिख सकते हो ए यूनियन बी, बहुत सिंपल हो गया। यस सारे लोग मैं देख पा रहा हूं भाई, यू ऑल आर ग्रेट, सॉल्व करके आंसर भेज रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए। और मुझे लगता है ना, जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो सारे चीजें हमारे ऐसे दिमाग में घूमती रहती हैं। देखो हम लोग पढ़ते थे ना तो प्रॉब्लम क्या थी मालूम है, टीचर्स आते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना चालू, वे बेसिक जो है ना, बेसिक वो स्ट्रांग करो, मतलब समझो उसको चीज को कि है क्या चीज। अगर एक 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 चीज आगे बढ़ेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आप लोग सॉल्व करके भेज रहे हो, है ना। देखो हमारे से एवरेज स्टूडेंट्स लोग को बता दूं, एवरेज स्टूडेंट जैसे हम लोग हैं, एवरेज स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग को दिक्कत क्या होती है कि डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको बताना जरूरी है, मतलब समझाना जरूरी है कि कैसे करते हैं। एक बार कैसे करते हैं वो समझ में आ जाता भैया, हम लोग भी भाई माहिर हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ए इज अ नेचुरल नंबर, ये डायरेक्टली मैं लिखता हूं, ओके इधर लिस्टिंग फॉर्म में। सो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल टू सिक्स, सो लेस देन इक्वल टू सिक्स ग्रेटर देन वन, सो वन इंक्लूडेड नहीं है, सो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सो दिस आर द नेचुरल नंबर। एक्स क्या बोला है, एक्स इज ग्रेटर देन वन, सो ग्रेटर देन वन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम टू बट इट इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स, सो लेस देन इक्वल टू सिक्स मतलब सिक्स तक, तो टू से सिक्स तक लिख दिया। अब यहां पे बी वाला मैं देखू, बी वाला में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स बट लेस देन टेन, सो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन सिक्स इज व्हाट, सेवन एट नाइन, लेस देन टेन नाइन तक, बराबर है। सो ये हो गया। अब मैं बोलू ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी विल बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सो दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बराबर है सिक्स सेवन एट एंड नाइन, सो हो गया सब एलिमेंट्स ए का बी का साथ में लिख दिया, काम खत्म। अब यहां पे देखो भाई साहब, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, ए इज व्हाट वन टू थ्री एंड बी इज व्हाट फाइव सेट। हमने पढ़ा कि अगर ए यूनियन फाइव निकालोगे, मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, देखो जरा ए यूनियन बी पूछा है, सो ए यूनियन बी इज व्हाट, ए यूनियन फाइव हमने प्रॉपर्टी पढ़ी तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ए यूनियन फाइव इज ऑलवेज व्हाट ए, पढ़ा था ना, पढ़ा था दोस्तों, पढ़ा था मैंने, इसलिए बोल रहा हूं। देखो कोई भी बताता हूं, देखो
एकदम इजी कब पड़ेगा, जब हम लोग इसको डेली सॉल्व करेंगे कुछ कुछ। इसलिए बहुत ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करता, एक एक एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ मैं। तो क्या है, मैं पूरा एक चैप्टर खत्म कर देता एक लेसन में। बट अब मुझे मुझे लगा कि एक 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 अगर बहुत टाइम था, 11th 10th में जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा टाइम मेरे पास था नहीं, तो वो 3-4 महीने में मैंने एक एक लेसन लेके खत्म कर दिए। बट अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 साल है आपको पढ़ाने के लिए मेरे पास। तो मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाना चाहता हूँ, बस आपको पढ़ना है और मज़ा करना है। हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा बेटा, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। और मैं ये नहीं चाहता, देखो हम लोग भी, मैं एक एक सही बात बताऊंगा। और मुझे इसलिए ये कोई अलग अलग बैच जो संजू सर लॉन्च कर रहे हैं ना, मैं पहले से ही बोलता था आई डोंट बिलीव इन द बैच विच हैज़ मतलब जिसको जिसमें ज़्यादा पैसा भरना पड़े। तो मैं हमेशा बोलता था सर से कि भाई ये ऑनलाइन टीचिंग है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो सकते हैं, फीस कम करो, क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो हो चुका और मुझे उस इस चीज़ के लिए बहुत खुशी हो गई भाई, क्या वो हम लोग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत कम प्राइस में आप लोग को मैं जितना हो सकेगा ना, देखो ये सब चीज़ें तो मैं बहुत सारे फ्री लाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें फ्री लाने वाला हूँ। तो हमारे जैसे बच्चे जो 11th में फीस नहीं भर पाए थे, हम लोग भी ऐसे ही थे, क्लासेस नहीं लगाते थे यार 11th में, क्यों झूठ बोलूँ मैं, पैसे नहीं थे उतने कि हाँ क्लासेस भी लगा लें। तो वो कैसे, आप क्लास तुम लोग कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में तो टीचर्स भी वैसे ही मिलते हैं यार, तो थोड़ा सा दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो हम लोगों ने पढ़ाई कैसे की अब क्या बताएं, कि मतलब बहुत दिक्कत होती है, टीचर्स अच्छा नहीं मिले तो बहुत दिक्कत हो जाती है। टीचर अच्छा मिलना जरूरी है कॉलेज में, कॉलेज में नहीं मिलते हैं, जो पैसे पैसे जिसके पास नहीं उनको ज़्यादा दिक्कत है, क्लासेस नहीं लगा हुआ तो प्रॉब्लम तो होती है। बहुत धीरे धीरे पढ़ा हमने इधर उधर से लेके, फिर अपने दोस्तों से सीखा कुछ, ठीक है तो 11th तो निकल गया, 12th में लगाना ही पड़ा। बस फिर भी बहुत कॉस्टली है यार, साइंस का जो फीस है क्लासेस वालों का ऑफलाइन बहुत ज़्यादा है। ठीक है तो जितना हो सकेगा हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आगे भगवान किधर तक लेके जाते हैं ऐसे। ओके चलो, लेट्स ए इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, देन बी इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी एंड सी। अब ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, यस है ए सबसेट ऑफ बी। आगे क्या पूछा है, इज ए सबसेट ऑफ बी, तो लिखना यस, यस ए सबसेट ऑफ बी है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बराबर है। सो ये ए इसका बी का सबसेट है। व्हाट अबाउट ए यूनियन बी, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, सो ए यूनियन बी मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, सो ए बी एंड सी, बराबर है। अगर ये मैं देखूं, ये देखूं ए यूनियन बी, ए बी सी आ गया, आगे क्या पूछा है, ए बी सी ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमने ए बी सी लिख दी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये किससे इक्वल है, बी से इक्वल है कि नहीं। तो ध्यान में रखना, जब भी एक प्रॉपर्टी आप बना सकते हो उससे कि ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट बी, तो दिस कैन बी अ प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज्ड इन द प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ओके सो यूज कर, देखो अगर मैं बोलू इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन, अगर ए यूनियन बी निकालू तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट ए, देखो जरा, देखो जरा, दिस इज अगर इसके इसके बारे में बोलू, सो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए के अंदर है। अब बी ए के अंदर होने के कारण क्या हो गया, अगर दोनों का यूनियन ले लें तो क्या होगा, ए होगा ना, बड़ा बड़ा वाला आएगा, तो वही लिखा हुआ है। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर्टीज, तो वो देख लेना जरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वॉट इज ए यूनियन बी, अभी अभी पढ़ा। If A is subset of B, then A union B will be, A is, this is A, उस ये B के अंदर है, A is subset of B, then A union B will be equal to बड़ा वाला, that is B, बराबर है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में देखेंगे जो पूछा है वो करेंगे, और फटाफट भाई वो सब्सक्राइबर जो है ना, आज जाते जाते मेरे लिए वो आपको 70,000 कर देना। चलो
आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर टास्क एंड मैं टास्क कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं। सो ए यूनियन बी, फर्स्ट वाला, सो ए यूनियन बी विल बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर है। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा है, पूछा है ये ए यूनियन सी निकालो। सो अगर मैं ए यूनियन सी निकालू, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी, सो 1, 2, 3, 4 सी में क्या है 5, 6, 7, 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉल्व करके उधर भेजते रहो, ये सॉल्व करके भेजते रहो बेटा। चलो सो ए यूनियन सी देखा, ए यूनियन सी मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यस लिख दिया। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है, बी यूनियन सी, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6 तो हो गया ना, सो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज व्हाट बी यूनियन सी। अब मैं देखू फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कैसा है, बी यूनियन डी, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड डी, सो बी में 3, 4, 5, 6 बी में 3, 4, 5, 6 डी में जाओ 7, 8, 9, 10 सो दिस इज 7, 8, 9, 10 अब फिफ्थ वाला क्या पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी, सो ए में क्या है 1, 2, 3, 4 बी में 3, 4, 5, 6 मतलब यहां पे 5 and 6 लिख दूं, बिकॉज 3, 4 तो लिख चुका हूं और सी का भी एलिमेंट, तो सी में 5, 6 लिख चुका है, क्या बचा है 7 and 8 हो गया। अब देखो सिक्स्थ में क्या क्वेश्चन है, ए यूनियन बी यूनियन डी, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी, सो ए इज व्हाट 1, 2, 3, 4 बी इज 3, 4, 5, 6 सो 3, 4 तो लिख दिया 5 and 6 उसके बाद में डी का एलिमेंट्स डी इज 7, 8, 9, 10 ओके सो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन डी। आगे आगे एक और क्वेश्चन बाकी है, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो सेवेंथ क्वेश्चन इज, सेवेंथ क्वेश्चन है ना, बराबर है। चलो ये बताना जरा कितना आता है, आंसर बताना, दिस इज बी यूनियन सी यूनियन डी, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी इज व्हाट 3, 4, 5, 6 फिर सी, सी कितना, सी इज व्हाट 5, 6, 7 तो 5, 6 तो लिख दिया 7, 8 आएगा इधर, फिर डी वाला 7, 8 तो लिख चुका 9 and 10 ओके चलो हो गया ये, मतलब ये सारे कितने इजीली हम लोगों ने कर लिए, कितने इजीली कर लिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ए दिया हुआ है बी दिया है सी, ओ हो बहुत इजी हो गया दोस्तों है ना। अब वापस से मुझे देखूं मैं तो क्या पूछा है, ए यूनियन बी निकालो सर, अबे सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट, देखो फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, आप देखो जरा, मैं वही बोला सेम क्वेश्चन इतना इजी कैसे दे दिया बार बार एक ही क्वेश्चन, जब खेल है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, सो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला एक्स इज 1, 3 and 5 एक्स इज 1, 3, 5 फिर वाई, वाई कितना है, वाई इज 1, 3 and 2 बराबर है 1, 2 and 3 अब देखो जरा कैसा है, यू हैव टू फाइंड आउट यूनियन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यूनियन ढूंढा, अब क्या ढूंढना है इंटरसेक्शन ढूंढना है। सो अब देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई बोलू, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, सो विच आर द कॉमन एलिमेंट्स, देखो जरा, देखो वन है और कुछ है क्या, नहीं तो क्या लिखेंगे वन, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ बोला है, दिस इज ए, ए इज ए ई आई ओ यू, ए इज ए ई आई ओ यू एंड बी, बी इज व्हाट, बी देखो जरा, बी इज ए बी सी तो लिख दिया ए बी सी। अब इसमें क्या दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन, सो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स मतलब ए है और कौन सा है, कुछ है क्या, नहीं, सो ए,
मीन्स कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि व्हाट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड विच टाइप ऑफ सेट इट इज, तो क्या लिख सकते हो, सिंगलटन सेट लिख सकते हैं, है ना, सिंगलटन सेट। यस, चलो मैं देख पा रहा हूं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हो, अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ए इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन ही तो लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, x such that x is a natural number and multiple of 3, so x लिख दूं डायरेक्टली, a and b है, चलो a and b, now this is a, a is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3, so natural number multiple of 3 is 3 1s are 3, 3 6, 3 9, 3 4s are 12 and so on, फिर उसके बाद में b में क्या है इसके अंदर, नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4 and 5, दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलू, सो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो क्या है कॉमन एलिमेंट, 3 है, और कुछ है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, 3, खत्म। आगे इसमें देखो फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन है, ए वाला, x सच दैट नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, किया था 1, 2, 3, 4 and 5, दिस आर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 6। अब बी में क्या है, बी में x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 मींस 7 एंड लेस देन 10, 7, 8, 9, दिस आर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। अब इसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूं, सो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, 5 सेट, कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, नहीं। फिफ्थ वाला देखो, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 5 सेट, बराबर है। सो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूं तो ओनली 5 सेट, कॉमन क्या है, 5 है, so this is always going to be a intersection 5 is always going to be 5, मतलब property भी बहुत सारे जगह prove हो जा रही है, इधर समझ में आ जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ कर लिया हमने, अरे यार ये वापस से कुछ। अब देखो a दिया हुआ है, b दिया है, c दिया है, d दिया है, find a intersection b, first वाला question, a intersection b means common element between a and b, बहुत इजी है दोस्तों, a और b का common element देखो जरा, a में क्या क्या है, a और b common elements are 9 है, और कौन सा है, 11 है, और कुछ है क्या, 7 है, yes 7 है, so 7, 9 and 11, a intersection b is 7, 9, 11, बराबर है। सब लोग answer लिखते जाओ, first वाला क्या हो गया बेटा, फर्स्ट वाला कॉमन एलिमेंट, ओहो 3 भी था, देखो भाई साहब, यस 3 भी था, 3 छूट गया, 3 भी कॉमन है, ओके 3, चलो अब राइट है दोस्तों, फटाफट बताओ, यस कॉमन एलिमेंट, भैया बता दिया आप लोगों को, समझ गया, उससे ज्यादा क्या चाहिए, ओके चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हम लोग ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आर 7, 9, 11, लिख दिया, ओके 7, 9, 11, अब सही है, ओके सर सही बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड वाले में क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी, सो बी इंटरसेक्शन सी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बी एंड सी, बी यहां पे 9, 7, 9, 11, 13, सी इज 11, 13, 15, सो कॉमन एलिमेंट्स आर 11 and 13, सो लिख दिया 11 and 13, ओके थर्ड क्वेश्चन, यस फटाफट और जल्दी 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 करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं मैं ना। अब देखो हमको कौन सा चाहिए, थर्ड वाले में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब बहुत इजी होने वाला है, ए सी और डी में डायरेक्टली कॉमन देखो, ए सी और डी में जो तीनों में हो, तो तीनों में ए सी और डी में मैं ऐसे भी कर सकता था, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालू फिर बाद में डी का इंटरसेक्शन निकालू, करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर दूं, चलो देखते हैं
सो दिस इज ए इंटरसेक्शन सी द होल इंटरसेक्शन डी. अब पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालूं सो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे देखो जरा. ए और सी में ए यहां पे है सी यहां पे है. कॉमन एलिमेंट इज ओनली 11 आई थिंक सो 11 है. यस 11 सो लिख दिया 11. इंटरसेक्शन विथ डी डी क्या है देखो जरा 15 and 17. अब मुझे ये बता इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन में कॉमन है क्या दोनों में? नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 5 सेट. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 5 सेट. सही है. चलो 5 सेट. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? ये डायरेक्टली भी देख सकता था ए सी और डी में तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं था. 5 सेट आने वाला है. ओके अब देखो फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन सी. सो ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड सी. सो ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? देख ए और सी में तो कॉमन एलिमेंट्स क्या था भाई? ए और सी में निकाल चुके हैं 11 था. देखो जरा अगर मैं बोलूं ए और सी का कॉमन एलिमेंट, सो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? ओनली 11 है. सो 11 लिख देते हैं. अगेन अ सिंगलटन सेट. टाइप्स ऑफ सेट्स ध्यान रखो. टाइप्स ऑफ सेट्स चलते रहना चाहिए भाई. एकदम बेसिक से पढ़ाया मैंने और इसमें एक भी गलती नहीं होना है बिकॉज बेसिक से पढ़े हैं राजीव सर पढ़ाए आपको पांडे जी हैं तो गलती नहीं होना है. बी इंटरसेक्शन डी. सो बी इंटरसेक्शन डी करूं सो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बी एंड डी. बी और डी का कॉमन एलिमेंट क्या है देखो जरा कुछ है क्या? बी में भी बी में 15-17 इधर है. 15-17 है क्या? नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी 5 सेट. कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो लिख देना एम्प्टी सेट. पूछ लिया तो ओके. उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा. सिक्स्थ क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. अब देखो जरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ए में क्या है? ये पूरा ए इंटरसेक्शन पहले एक 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 करके निकालो क्योंकि ये दिया हुआ है ना. तो हम लोग क्या करेंगे ये अगर निकालना है तो पहले बी यूनियन सी निकाल लो. चलो सो बी यूनियन सी मैं लिख देता डायरेक्टली बट समझ में आना चाहिए. सो बी यूनियन सी अगर बी और सी का मैं यूनियन निकालू तो क्या आएगा? 7, 9, 11, 13, 15 बराबर है. ये दिस इज बी यूनियन सी. नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड दिस. देखो जरा अलग कलर से बता दो ग्रीन कलर से. ए और इसमें क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है? 7 है. यस 7 है. 9 है. यस 9 भी है. 11 है. यस 11 भी है. और कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो दिस इज 7, 9 and 11 इज ए इंटरसेक्शन द होल बी यूनियन सी. सिंपल हो गया. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं. कौन सा क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट पे एक इधर करता हूं फिर आगे का नेक्स्ट पे करूंगा. ओके ये हो गया सिक्स्थ वाला. अब चाहिए सेवेंथ वाला इज ए इंटरसेक्शन डी. सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन डी? कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड डी. इसको रब कर लेते हैं. ओके ए और डी का कॉमन एलिमेंट देखते हैं. ए और डी में भाई डी में 15-17 इसमें है क्या? नहीं कुछ भी नहीं है कॉमन. सो एम्प्टी सेट. कुछ भी कॉमन नहीं तो एम्प्टी सेट. अब देखते हैं आगे. चलो इसके आगे में ही कर लूं. सेवेंथ हो गया. एट्थ वाला कर लेता हूं. एट्थ वाला ये है. सो ए इंटरसेक्शन एट्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर है. सो पहले बी यूनियन डी ढूंढो. बी यूनियन डी बी और डी में 7, 9, 11, 13, 15, 17. दिस इज बी यूनियन डी हो गया. अब ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन डी मतलब इसके साथ ए का कॉमन एलिमेंट. सो कॉमन एलिमेंट है क्या? यस yes, 7 है दोनों में. 7 है. 9 है दोनों में. 9 है. 11 है दोनों में. 11 भी है. और कुछ है क्या? नहीं. सो 7, 9, 11 दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. सिंपल हो गया दोस्तों. सिंपल हो गया. और सबको बोलना है पढ़ाई करने के लिए तो इसलिए सब्सक्राइब करवाना बहुत जरूरी है.
है ना। चलो नाइन्थ क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, ए इंटरसेक्शन बी द होल यूनियन विथ होल इंटरसेक्शन विथ होल इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी बी यूनियन सी बी इंटरसेक्शन सी ना यूनियन सी है। चलो तो पहले ये निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे इंटरसेक्शन, तो एक 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 करके निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बोलूं, सो ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो विच आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, देखो जरा 7 9 11 7 9 11, सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 7 9 11, एंड बी यूनियन सी अगर मैं बोलूं, सो एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, तो दैट इज 7 9 11 13, 7 9 11 13, फिर सी का 7 11 13 हो गया, 15 बाकी है, सो दिस इज 15। सो ये हो गया बी यूनियन सी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी द होल इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन दिस एंड दिस, चलो देखते हैं क्या होता है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 7 है, 9 है और 11 है, तो क्या क्या आएगा, 7 9 11, काम खत्म, बहुत सिंपल। अरे इतना सिंपल अगर हमारे टाइम कोई टीचर होता ना, बस चिपक जाते हैं टीचर के साथ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टेंथ वाला बहुत सिंपल है, ए यूनियन डी द होल इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। अब पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन डी, और फिर क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, और फिर उसका इंटरसेक्शन मींस ए यूनियन डी द होल इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। ओके, अब देखो बी यूनियन सी तो निकाल चुके थे, दैट इज व्हाट 7 9 11, ये निकाल के रखा ना, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, ये निकाल के रखा था हमने इधर बी यूनियन सी। अब ए यूनियन डी निकालते हैं, ए यूनियन डी में देखूं, सो ए और डी का टोटल, सो 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, उसके बाद में क्या आएगा, डी 15 एंड 17, सो 15 एंड 17। अब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट, सो कौन कौन से है कॉमन एलिमेंट दोनों में, देखो 7 है 9 है 11 है 13 नहीं है 15 है ना, सो 13 है क्या, देखो जरा बी यूनियन सी 13 एंड 15, बराबर है, ए यूनियन डी में 13 नहीं है। ओके चलो, सो ओनली 15, फिर उसके बाद में 13 नहीं है, उसके बाद में क्या है, 15 है ना, 15 दोनों में, सो 7 9 11 15। नंबर अगर कहीं मिस कर जाए तो बताना जरूर, 7 9 11 15। चलो हो गया, अब ये क्वेश्चन सारे हमने कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या बोला है, एक 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 करके देखते हैं। ए क्या है, नेचुरल नंबर है, ए इज व्हाट, नेचुरल नंबर, बी इज व्हाट, इवन नेचुरल नंबर, सी इज व्हाट, ऑड नेचुरल नंबर, डी इज व्हाट, प्राइम नंबर। तो चलो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। ए क्या है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन, ताकि बहुत इजी मेथड से समझ जाए। बी क्या है, बी इज व्हाट, एक्स सच दैट इवन नेचुरल नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या है, सी इज व्हाट, सी देखो दोस्तों, सी इज व्हाट, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स मींस 1 3 5 7 एंड सो ऑन, नॉन मल्टीपल ऑफ 2 जो 2 से डिवाइड नहीं हो सके। प्राइम नंबर्स, सो डी में प्राइम नंबर्स मतलब क्या क्या आएगा, 2 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। आगे देखो दोस्तों, ये सब अगर मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिख दी तो अब क्या ढूंढने के लिए बोला है, एक एक करके ढूंढते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखूं मैं तो 2 भी है, फिर 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, मींस ये पूरा आएगा, दिस इज सबसेट ऑफ दिस,
अब मैं बोलूं, देखो जरा ध्यान से सुनना, इवन नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का ही पार्ट है. सो अगर दिस बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, यहां पे बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू बी. इफ ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, इफ बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बी, जो छोटा एलिमेंट, जो छोटा सेट है, दैट इज बी. तो बी ही आएगा, दैट इज 2, 4, 6. कॉमन एलिमेंट देखो ना, 2 है, 4 भी आएगा ना, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा. सो 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या आएगा? लिखने का स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. सो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर. सो मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? b. ये क्यों था? ये मैंने कंडीशन बताया क्यों हो रहा था ऐसा. अब देखते हैं सेकेंड वाला. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, ओके, A इंटरसेक्शन C. A में क्या है? नेचुरल नंबर है, C में ऑड नेचुरल नंबर है. अब देखो C इज यहां पे, ये ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, मतलब यहां पे 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, उसमें 7 भी होगा, मतलब ये सारे इसमें A में प्रेजेंट होगा. इसका मतलब C इज सबसेट ऑफ A. इफ C is subset of A, then A intersection C will be equal to what? C, जो छोटा है. So obviously, अगर मैं A और C का intersection भी देखूं ऐसे भी, तो 1 भी आएगा, इसका 3 भी उसमें रहेगा, 5 भी रहेगा, 7 and so on. These are what? X such that X is odd natural number. Okay? So इसका मतलब this is equal to what? C. मतलब ऐसे भी देखा तो आ रहा है, वैसे भी देखा तो आ रहा है, तो देखना है, अच्छे से करना है बेटा. ओके, इसमें जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन डी निकालो. ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ऑल द प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर हियर. ऑल दिस प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर, पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, means D is subset of A. So लिख देना 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Means this is what? X such that X is prime number, prime natural number. अब prime number है, इसका मतलब क्या है? वो D से equal होना चाहिए. D is subset of A. If D is subset of A, then D intersection A will be equals to what? D. D से इक्वल मिला ना, बराबर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो हर एक प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखो, कहीं गलती नहीं होना है, समझना है क्या कर रहे हैं, समझना है. अब देखो, अगर मैं थर्ड बोलू, फोर्थ अगर मैं देखू, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C. अब B इंटरसेक्शन C, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑड नेचुरल नंबर. दिस इज व्हाट? दिस इज इवन नेचुरल नंबर. दिस इज ऑड नेचुरल नंबर, कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी फाइव सेट. दिस इज गोइंग टू बी फाइव सेट. कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फाइव सेट मिलेगा. क्या मिलेगा? फाइव सेट. सो ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में क्या कॉमन होता है? फाइव होता है भाई, कोई भी कॉमन नहीं होता. ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं. फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखो. फिफ्थ क्वेश्चन में कैसा है? B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, और B और D में देखो, B इज व्हाट? इवन नेचुरल नंबर. यहां पे दिस इज प्राइम नेचुरल नंबर. प्राइम इवन भी और प्राइम भी, कौन सा नंबर था लास्ट टाइम बताया था? देखो इधर खाली टू कॉमन दिखने वाले, बाकी सब ऑड नंबर्स रहने वाले इसमें, है ना? प्राइम नंबर्स टू को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. सो टू इज इवन एज वेल एज प्राइम. सो B और D में, इवन नंबर में और प्राइम नंबर में एक ही कॉमन है, दैट इज टू. सो दिस इज सिंगल कंसेप्ट. आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, सिक्स्थ क्वेश्चन. सो क्या दिया है? सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी. अब सी और डी में कॉमन एलिमेंट, सी और डी में 3 भी है, 5 भी है, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, टू को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ध्यान में रखना. सो टू को छोड़ के 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन.
बराबर है। सी और डी में कॉमन क्या होगा, 3, 5, 7, 11 ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट टू। सो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बट टू छोड़ के, तो सेट ऑफ टू छोड़ के, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज सेट डी, डी माइनस सेट ऑफ टू। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बहुत इजी तरीके से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज समझना है बेटा, हर एक चीज समझना है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट कौन 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 से इसमें से डिसजॉइंट सेट्स हैं वो बताने हैं हमको। मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, जब भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, इंटरसेक्शन शुड बी एम्प्टी सेट। यस, तो फर्स्ट वाला जब क्वेश्चन देखूं मैं, फर्स्ट वाला, सो ए में क्या है, ए में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर। अगर मैं बी देखूं, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, ओके ऐसा लिख दिया। सो एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन 4 एंड 6, 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 6 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मीन्स एक्स इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। सो 4 से 6 तक, 4, 5 एंड 6, सो दिस आर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। ओके नेचुरल नंबर 4 से 6 तक लिख दिया। अब क्या बोला है, डिसजॉइंट सेट है या नहीं है वो निकालो। तो उसके लिए पहले इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, सो क्या दिख रहा है मुझे कि 4 इज द कॉमन एलिमेंट। सो इफ 4 इज द कॉमन एलिमेंट, मतलब भाई 5 सेट तो नहीं मिला, इट इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ओके डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके लेट अस सी, अब कैसे लिखना है पता चल गया होगा और धीरे धीरे सारे लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग सेट्स को लिखते कैसे हैं। चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, दिस इज ए ई आई ओ यू, बराबर है, इसको नाम सेट सी दे दिया, एक्स और वाई कोई प्रॉब्लम, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई सेट। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, बराबर है, बहुत फेवरेट लगता है इसका सेट वाले का, भाई ये समझ में नहीं आता। एंड सी डी ई एफ, वाई इज सी डी ई एफ, अब क्या पूछा है डिसजॉइंट है या नहीं है, तो पहले इंटरसेक्शन निकाल के देखो, एक्स इंटरसेक्शन वाई, भैया यहां पे दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, ई इज कॉमन एलिमेंट, बराबर है, सो ई है, फिर से ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, देयरफॉर एक्स एंड वाई आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ओके सो ध्यान में रखना, हर एक चीज अपने को एक 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 करके पढ़ लेनी है। ओके अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन इंटीजर, कैसे इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स, ये लिख दिया, क्या नाम डालू बे इसका, अब क्या नाम डालू, पी डालू एंड दिस इज क्यू। चलो सो पी में क्या क्या आएगा, इवन इंटीजर्स मतलब 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एंड क्यू में अगर मैं देखू, सो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर मीन्स व्हाट, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओ हो, नेचुरल नंबर नहीं बोला, इंटीजर बोला है बेटा, नेचुरल नंबर नहीं बोला, तो सिर्फ पॉजिटिव कैसे ले सकता है ना। चलो अब लिख लेते हैं, सो क्या बोला, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब नेगेटिव से -4, -2, 0, 0 तो इंक्लूड होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली हमको इसको लिखना पड़ेगा, है ना, इसको डायरेक्टली लिख दे तो ज्यादा बेटर, इसको हमको स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना। ओके चलो स्टेटमेंट फॉर्म में, अब मुझे ये बताओ, ये इवन है, ये ऑड है, इसको पी ले लिया, क्यू ले लिया, सो पी इंटरसेक्शन क्यू, इवन और ऑड में क्या कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है बे,
कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होगा? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट है मतलब देयर फोर पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट्स. ओके, ये डिसजॉइंट सेट्स है बिकॉज क्या है उसमें, दोनों में, एक में दिया है इवन इंटीजर, इसमें दिया है ऑड इंटीजर, दोनों कॉमन कुछ होगा ही नहीं. कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर कॉमन होगा ही नहीं. इवन ये पी इज इवन इंटीजर का सेट है, क्यू इज व्हाट ऑड इंटीजर का सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट है तो डिसजॉइंट सेट्स. अब देखो नेक्स्ट टाइप पे आ गए. सर बहुत इजी है बेटा, इजी पीजी ही रहता है, बट एक बार समझ लो ना तो इजी. अब वो समझ में ना आए मैथमेटिक्स, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है. एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, हर एक चीज के साथ आपको प्रिपेयर रहना है. यार एक किस्सा याद आता है टीचर्स के बारे में, तो बताऊंगा. हम जब कॉलेज में थे, मैथ्स वाला, तो प्रॉब्लम क्या होता है मैथ्स में प्रॉब्लम, अब टीचर जब वर्नाकुलर मीडियम से आता है ना तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना. सो प्रॉब्लम ये थी कि टीचर का जो प्रोनंसिएशन था, चलो गए थे तो फर्स्ट चैप्टर उधर सेट्स रिल कुछ तो भी था, फंक्शन था शायद, जब हम पढ़ते थे तो फर्स्ट चैप्टर फंक्शन ही था शायद, हाँ रिलेशन फंक्शन ही था शायद. तो उसमें वो बोलता था भाई, जब बैठे थे फर्स्ट लेक्चर तो उसमें बोला सर, सर ने कि एपॉपेक्स एंड ही बिलोंग्स टू वर्नाकुलर मीडियम. तो होता क्या है कि फर्स्ट सेशन में ही वो समझ में नहीं आ रहा है बोलता क्या है. जब हम लोग, मैं गया दोस्त के साथ पढ़ने के लिए, तब मालूम पड़ा कि भाई उसने एफ ऑफ एक्स बोला था, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स. वो पूरा सेशन में देख रहा था यार कुछ तो भी नया सीखने के लिए मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स होता है. तो वो टीचर लोग का टोन भी रहता है ना, वो भी एक मायने रखता है. तो देखना समझना. अब क्या बोलोगे यार, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा है ना, कभी कभी समझता नहीं है तो कुछ ऐसा लगता है वाकई कुछ नया पढ़ लिया. देखो दो चीजें होती हैं, एक समझे एक ना समझे. तो समझे तो भी बच्चे बोलते वाह क्या पढ़ाया, नहीं समझेगा अरे कुछ तो बहुत बड़ा पढ़ाया रहेगा तभी नहीं समझा. तो सोचने का भी एक डिफरेंसेस रहता है. कल से फिर से लॉकडाउन, सो एक्साइटेड भाई साहब, मजा है वे. चलो ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. फर्स्ट वाला ए माइनस बी निकालना है. फर्स्ट वाला क्या निकालना है, ए माइनस बी. सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी. ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है. सो ए का कौन कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, बेटा देखो फोर है, ये थ्री है क्या इसमें, नहीं है तो लिख दो थ्री. अब देखो सिक्स है क्या इसमें, नहीं है तो लिख दो सिक्स. क्या क्या नहीं है वो देख लो, नाइन नहीं है तो नाइन भी लिख दो. ट्वेल्व है तो नहीं लिख सकते. फिफ्टीन है क्या इसमें, नहीं है तो फिफ्टीन लिख दो. चलो 15 भी लिख लिया. 18 इसमें है क्या, नहीं है तो 18 भी लिख लो. फिर 21 है क्या, नहीं है तो ये भी लिख दो. बराबर है. सो ए माइनस बी का मतलब क्या है, प्रेजेंट इन ए, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी. सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, 3, 6, 9, 15, 18 and 21. दिस 12 इज प्रेजेंट इन बी, सो वो नहीं लिखा मैंने. ओके, बहुत इजी हो गया. अब देखो जरा सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इज ए माइनस सी. ध्यान से, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू, अब ये मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा. ओके, ये थोड़ा सा रब कर दिया. अब आते हैं वापस से उसके ऊपर मुद्दे पे. सो ए माइनस सी, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन सी. सो कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन सी में नहीं है. सो देखो जरा, थ्री ए में है बट सी में नहीं है कहीं. सिक्स वाला है सी में इसलिए सिक्स नहीं लिखेंगे. नाइन वाला नहीं है, नाइन है क्या इसमें, नहीं तो इसमें नाइन लिख दो. उसके बाद में ट्वेल्व है तो ट्वेल्व नहीं लिख सकते.
15 नहीं है इसमें तो 15 लिख दो, उसके बाद में 18 नहीं है इसमें तो 18 भी लिख दो, उसके बाद में 21 है क्या इसमें, नहीं तो 21 लिख दो। सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन सी, सो इट विल बी ए माइनस सी, 3, 9, 15, 18, 21। ओके, अब रब कर दो इसको, आगे क्या पूछा है वो देखो, ए माइनस डी। सो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या पूछा है, ए माइनस डी, सो ए माइनस डी, सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए माइनस डी पूछा ना थर्ड वाला, ओके ए माइनस डी, चलो सो ए माइनस डी मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन डी। अब देखो थ्री वाला इसमें नहीं है तो थ्री लिख दो, फिर सिक्स वाला नहीं है इसमें तो सिक्स लिख दो, डी में नहीं है, नाइन वाला नहीं है इसमें तो नाइन लिख दो, फिर उसके बाद में ट्वेल्व वाला नहीं है इसमें तो ट्वेल्व भी लिख दो, उसके बाद में फिफ्टीन वाला, फिफ्टीन है क्या इसमें, यस है तो वो नहीं लिख सकते दोस्तों, जो है बी डी में वो नहीं लिख सकते, ए माइनस डी, ए माइनस डी इज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन डी, ध्यान रखना ए माइनस डी इज व्हाट, एलिमेंट्स जो ए में है और डी में नहीं है, सो 15 है डी में इसलिए वो नहीं लिखेंगे, 18 नहीं है तो 18 लिख दो, उसके बाद में 21 नहीं है इसमें तो 21 लिख दो। सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन डी, दैट्स व्हाई ए माइनस डी इज दिस एलिमेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कैसा है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज बी माइनस ए, बी माइनस ए, सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, सो कौन कौन सा एलिमेंट है, इसको रद्द कर ले पहले तब तो हम देख पाएंगे। सो ए में देखो कॉमन एलिमेंट छोड़ के, सो कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो इसमें कितना कितना है, फोर है क्या, फोर नहीं है सो फोर लिखेंगे, फिर एट है क्या, एट भी नहीं है तो एट लिखेंगे, ट्वेल्व है तो ट्वेल्व नहीं लिखेंगे, सिक्सटीन नहीं है तो सिक्सटीन लिखेंगे, ट्वेंटी भी नहीं है तो ट्वेंटी लिख दो, सो फोर एट सिक्सटीन एंड ट्वेंटी, फोर एट सिक्सटीन एंड ट्वेंटी, सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, इसके इसमें है बट उसमें नहीं है, तो कॉमन वाला छोड़ के देखो ये कॉमन है दोनों में, सो इसको हटा दिया बाकी सब बच गया वो ए बी माइनस ए में। सो मैंने बताया जैसे कि अगर बी माइनस ए ढूंढना है सो बी और ए का इंटरसेक्शन निकालो, वो इसमें से हटा दो, काम खत्म है ना। चलो आगे नेक्स्ट वाला, समझ में आ गया होगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सेटअप है, सेट है तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना कि हम राउंड ब्रैकेट लिख दें। ओके, क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे भाई, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला देखो, सी माइनस ए, हो तो दिस इज सी माइनस ए, सी माइनस ए, सो ऐसा एलिमेंट जो सी में है ए में नहीं है, सो टू वाला ए में नहीं है, फोर वाला ए में नहीं है, सिक्स वाला है तो सिक्स वाला मत लिखना, एट वाला नहीं है तो एट लिख दिया, टेन वाला नहीं है तो टेन लिख दिया, ट्वेल्व वाला है इसे ट्वेल्व नहीं लिखेंगे, फोर्टीन वाला नहीं है इसमें, सिक्सटीन वाला भी नहीं है तो फोर्टीन एंड सिक्सटीन। अब सारे चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ए और सी का हटा दो सी में से तो सी माइनस ए मिल जाता है। ओके, अब चलो आगे बढ़े सिक्स वाला क्वेश्चन कैसा है, और फटाफट करते रहो रुकना नहीं है। सो डी माइनस ए, सो एलिमेंट प्रेजेंट इन डी बट नॉट इन ए, सो विच आर द एलिमेंट्स, फाइव है क्या उसमें, नहीं तो फाइव लिखेंगे, टेन वाला इसमें है क्या, नहीं तो टेन भी लिख दो, 15, yes, 15 है तो 15 नहीं लिखेंगे, 20 नहीं है उसमें तो 20 लिख दिया, काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन तो होमवर्क देना बनता है, एक क्वेश्चन और करता हूं सेवन तक। सेवेंथ इज व्हाट, बी माइनस सी, सो बी माइनस सी, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सी, सो फोर इसमें है तो फोर नहीं लिख सकते, एट इसमें है तो एट भी नहीं सकते, 12 भी है, 20 सिर्फ 20 नहीं है बी का सी में तो क्या आएगा 20। ओके, मैं चाहता हूं कि बाकी ये वाला, दिस इज योर होमवर्क
दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर होमवर्क, जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना ओके okay? और ये इतना तो बनता है यार, इतना तो हक बनता है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से यार, चलो आगे। अरे तीन बार सेम क्वेश्चन। चलो यहाँ पे दसवां क्वेश्चन ध्यान से, एंड आई थिंक सो दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, सेकेंड लास्ट क्या लास्ट ओके सिक्स नहीं आएगा, फिफ्थ वन इज रॉन्ग। लेट अस सी, लेट अस सी भाई साहब कौन सा रॉन्ग किया। फिफ्थ वाला सी माइनस ए, सी माइनस ए, ओ हो हो सी प्रेजेंट है सिक्स वाला, तो सिक्स वाला इरेज कर दो, क्या प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ जाएं, अब सही हो गया, नाउ इट्स करेक्ट। थैंक यू गाइस, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। और यही तो सुनना था क्या होता है, इंसान प्यार का भूखा रहता है भाई, है ना। चलो एक्सेस वॉच, एक्सेस ए बी सी एंड डी। बेटा जब तुम लोग मुझे रेक्टिफाई करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग ने मुझे रेक्टिफाई किया और वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है इससे। चलो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, y is f b d and g, find x minus y। so x minus y अगर मैं देखूं, x minus y means elements present in x but not in y, so कौन कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो x में प्रेजेंट है y में नहीं है। देखो जरा, a है क्या इसमें, नहीं है, तो एक a आ जाएगा, B है तो B नहीं आएगा, C नहीं है तो C आ जाएगा, D वाला है तो D नहीं आएगा। सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन X बट नॉट इन Y। आगे क्या पूछा है, Y माइनस X, Y माइनस X, दिस वन इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज Y माइनस X, सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Y बट नॉट इन X, सो कौन कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो Y में प्रेजेंट है जो X में नहीं है, तो F है, उसके बाद में B है, B इसमें है, D भी है, G नहीं है तो G, ओके हो गया। अब देखो जरा थर्ड पॉइंट में, X इंटरसेक्शन Y मींस कॉमन एलिमेंट बिटवीन X एंड Y, सो क्या था, B है कॉमन एलिमेंट और D है कॉमन एलिमेंट, सो B एंड D, B कॉमा D। अब मैं इसको वेन डायग्राम में तुमको समझाता हूं, थोड़ा समझिएगा इसको, वेन डायग्राम में समझते हैं। सो दिस इज व्हाट, अगर मैं वेन डायग्राम लिखता तो मेरे को देखना भी नहीं पड़ता उसको। सो देखो जरा, ओवरलैपिंग तो है बिकॉज कॉमन एलिमेंट में है, तो दैट इज बी कॉमा डी, सो दिस इज बी एंड दिस इज डी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब देखो जरा बी डी, एक्स में क्या है, ए बी सी डी, सो बी डी तो लिख दिया इधर, ए एंड दिस इज बी सी, उसके बाद में इधर एफ एंड जी, बी डी दिस इज एफ एंड दिस इज जी, बराबर है। अब मैं बोलूं, सो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज व्हाट, एक्स माइनस वाई, सो एक्स माइनस वाई अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए कॉमा सी, बराबर है। इंटरसेक्शन लिखूं, सो एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी इक्वल्स टू बी कॉमा डी, और यहां पे देखूं वाई माइनस एक्स, दिस इज वाई माइनस एक्स, दैट इज एफ कॉमा जी, F, G डायरेक्टली आ गया, तो देखने का जरूरत नहीं पड़ता, तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इफ R इज अ सेट ऑफ रियल लंबो एंड Q इज अ सेट ऑफ इरेशनल लंबो, R इज सेट ऑफ रियल लंबो एंड Q इज सेट ऑफ रैशनल लंबो, सो R माइनस Q, अब देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, R माइनस Q, R माइनस Q अगर देखूं मैं, सो रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब ये रियल नंबर है उसमें आधा रैशनल, कुछ रैशनल नंबर है कुछ इरेशनल नंबर है, ये रियल नंबर है, बराबर ऐसे समझ गया हमको। अब R माइनस क्यू, ये टोटल रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दिया जाए तो क्या बचा, इरेशनल नंबर, सो दिस विल बी सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश, रैशनल नंबर का डैश,
या फिर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, समझ में आ गया होगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स. चलो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. ये जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट क्वेश्चन है. सो ये अगर मैं देखूं दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट ऐसा बोला है, यू हैव टू स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बताना है. सो ए अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड 5. बी अगर मैं लिख दूं कि 3, 6. सो ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो यहां पे इंटरसेक्शन मतलब 3 है कि नहीं है. सो इट इज नॉट इक्वल्स टू 5 सेट एंड देयर फोर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, बराबर है. सो डिसजॉइंट सेट है ऐसा बोला है तो मतलब दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. तो राइट स्टेटमेंट इज दिस वन. ओके, अब जस्टिफाई करना था, इसे जस्टिफाई कर दिया मैंने. सेकेंड वाला देखना जरा. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. सो एक्स इक्वल्स टू ए आई ओ यू एंड दिस इज एक्स, दिस इज अवर एक्स. वाई अगर मैं लिखू तो वाई क्या क्या है, ए बी सी एंड डी. सो वापस से पूछा ये डिसजॉइंट सेट, व्हाट इज दिस भाई. सो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालो. यहां पे ए कॉमन दिख रहा है, ए लिख दिया. और कुछ कॉमन है क्या, नहीं. मतलब दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट अ फाई. मीन्स इट इज एक्स एंड वाई आर नॉट डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट नहीं है मतलब दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ये रेक्टिफाई मतलब जस्टिफाई कर दिया. अब थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देखू, थर्ड वाला. सो दिस इज ए, दिस इज बी, आर डिसजॉइंट सेट. अब ए इसको नाम दे देते हैं ए. ए इज व्हाट, 2, 4, 10, 14 एंड बी इज व्हाट, 3, 7, 11, 15. सो ए इंटरसेक्शन जब बी निकालता हूं तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी एम्प्टी सेट एंड देयर फोर दिस इज डिसजॉइंट सेट्स. अगर डिसजॉइंट सेट है मतलब दिस इज व्हाट, ट्रू. ये ट्रू है. अब ये तुमको बताना है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ये वाला. और जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, नहीं लिखा तो पाप लगेगा, बहुत मेहनत की है. चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है समाप्त. मतलब हमने सारे जो इसमें बेसिक थे और टाइप्स ऑफ जो बेसिक टाइप्स जो हमको चाहिए थे वो भी हमने खत्म कर लिए. जिसको जितना शेयर हो सके उतना करो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है. शेयर करना आपका काम है ना. और भैया आप लोग ने बनाया कि नहीं, कितना कर दिया सब्सक्राइबर, हुआ 70 हुआ आपसे, बताओ. मजा आ रहा है सर, ऐसे ही आते रहेगा, देखिएगा. और सारे चैप्टर्स देखो, ये मैथमेटिक्स ऐसा चीज है ना, जितना समझ में आएगा, जितना उसको सोचोगे उतना मजा आएगा. तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे सोचे और सॉल्व करें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम भैया. और वो लाइक बटन ये करके जाना, दबा के जाना लाइक, और जम के लाइक कर दो 2000 तक, है ना. और क्या करना है, क्या बताया था आपको, यस क्या बताया था, लाइक तो कर ही देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है. कमेंट करना भूलना मत, होमवर्क भी कमेंट में डालना. और जाते वक्त ये बता दो, 70 के हो गए. चलो 70 के, ओके 16.6 हुए. चलो ठीक है. चलो तो एक काम करना, वो बेल आइकन दबा के जाना ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स हो, शायद परसों मैं लूँगा अभी, तो परसों फिर से आ जाना. ठीक है, मिलता है नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट.